वेलकम ऑल टू माय चैनल सॉल्यूशंस फॉर यू। कंप्यूटर फंडामेंटल के कोर्स में हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने बेसिक्स जो भी चीजें आती है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। आज का लेक्चर जो नंबर सिस्टम का रहेगा वो लास्ट लेक्चर रहेगा, इसके बाद हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना या इसका वाइस वर्सा। आज का लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए रहेगा कि हम आपको आज एक शॉर्टकट मेथड दिखाएंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट मेथड आप किसी भी हेक्सा को बाइनरी और बाइनरी को हेक्सा में विद इन सेकेंड्स कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल फ्रूटफुल इसलिए रहेगा ताकि कल को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम जो आने वाले हैं उनमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ड्यूरिंग एग्जाम आप विद इन सेकंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप नंबर सिस्टम के पहले बेसिक्स जो भी वीडियो हमने दिए हैं आप वो पहले देखिए, उसके बाद आप इस शॉर्टकट मेथड पे आए ताकि आपको ये समझ आए कि जो शॉर्टकट मेथड हम आपके लिए लाए हैं ये आपके लिए कितना फायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपने हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो आप हमारी चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो बेल आइकन नीचे दिया गया है उस पर भी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और वे ऑफ टीचिंग अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। करते स्टार्ट आज का वीडियो शॉर्टकट मेथड फॉर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेटअप्स कौन से हमें फॉलो करने हैं। वी यूज द फॉलोइंग सेटअप्स इन दिस मेथड। यहाँ पे हम दो सेटअप यूज करेंगे जिससे हम किसी भी हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा सेटअप क्या रहेगा कि हमने जो बाइनरी डिजिट्स है उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ग्रुप्स क्या क्या होनी चाहिए? फोर। लास्ट वीडियो जो हमने ऑक्टल बाइनरी टू ऑक्टल या ऑक्टल टू बाइनरी देखा वहां पे हमने ग्रुप 3-3 का बनाया और यहाँ पे हमें ग्रुप 4 का बनाना है। इतनी ही डिफरेंस उसमें और इसमें है। नेक्स्ट में क्या करना है कि जो भी हमने अब ग्रुप लिया 4 बाइनरी डिजिट का उसको क्या करना है कि उसको एक हेक्साडेसिमल डिजिट बनाना है या लिखना है। आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो डिजिट्स है हेक्सा में 0 to 9 वो इक्वल टू होती है डेसिमल 0 to 9 और इसके अलावा जो ए टू एफ यहाँ पे है वो इक्वल टू होती है 10 to 15 जो हम ऑलरेडी बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो वीडियो है उसमें हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है। हेंस फॉर दिस सेटअप वी यूज बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन प्रोसीजर एंड रिप्रेजेंट डेसिमल वैल्यूज 10 to 15 एज हेक्साडेसिमल ए टू एफ। ये चीज आपको यहाँ पे एक नोट रखना है ताकि आपको आसानी समझ में हो। करते स्टार्ट आज की पहली एग्जाम्पल जो हमने ली है। हमने एक बाइनरी नंबर लिया है जो दिखने में आपको बहुत ही बड़ा दिखता होगा 1101001 जो बाइनरी में है। तो इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है? बेस 16 में। बेस 16 मीन्स बेस हेक्साडेसिमल। सबसे पहले हमारा सेटअप क्या रहता है कि हमने डिवाइड करना है बाइनरी डिजिट को, लेकिन इस वक्त हेक्साडेसिमल में हमने ग्रुप्स बनाने हैं 4-4 डिजिट के। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना वो ये कि स्टार्टिंग आपने कहां से करनी है? राइट से। सबसे पहले हम लेंगे 1100 और उसके बाद सेकंड ग्रुप क्या बनेगा? 1101। हम लेते हैं सबसे पहले ये ग्रुप। सबसे पहले हम राइट साइड से हम शुरू करते हैं, ये वाला 4 ग्रुप आप यहाँ पे लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे रहते हैं उसको हम लेंगे। अगर और कोई नेक्स्ट रहता तो उसको हम यहाँ लिखते, और इसके अलावा अगर उसके वहां पे डिजिट 2 ही होंगे तो वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हम यहाँ पे जीरोस ऐड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है कि अब जो 4-4 का हमने ग्रुप बनाया है उसमें हमने क्या करना है कि उसको हमने सॉल्व करना है।
वो सॉल्व कैसे करते हैं वो भी हमें प्रोसीजर मालूम है। सबसे पहले ये वन लेना है, उसके बाद उसको क्या करना है मल्टीप्लाई बेस के साथ, बेस को पावर में सबसे पहले राइट हैंड से जीरो लेना है, फिर इसी तरह बेस को एक ऐड करना है, सेकंड टाइम और एक ऐड किया, थर्ड टाइम और एक ऐड किया, ये प्रोसीजर भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट 0011 को भी हमने सॉल्व किया, जो रिजल्ट बोथ का आया वो इसका आया 13 8 में, और यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे ये 13 in 16 है, यहाँ पे 13 आया और यहाँ पे 3 आया in 16। उसके बाद हमें मालूम है कि 13 जो होता है उसको हेक्सा में अगर हमें लिखना हो तब हम लिखते हैं डी, क्योंकि ए हमें पता है ए इज इक्वलेंट टू 10, ए को हम लिखते हैं 10 हेक्सा में, इसी तरह बी सी एंड डी को हम लिखते हैं 13 in hexadecimal। दैट मीन्स जो हमने बाइनरी नंबर यहाँ पे लिया था उसको हमने कन्वर्ट जब किया विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड D3 in 16। आपने देखा कि विद इन सेकेंड्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिर्फ क्या किया कि पहले डिवाइड किया, उसके बाद सॉल्व किया, इसको यहाँ से अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया, जो रिजल्ट आया उसको आपस में कॉम्बाइन किया और रिजल्ट सामने आ गया। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अब अगर हमारे पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर ही हो तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। ये जो टॉपिक्स आते हैं मैंने एक ही लेक्चर में दो दो टॉपिक्स यहाँ पे ऐड किए हैं ताकि आपको समझने भी आसानी हो और आपको लगे कि आपको सिर्फ कन्वर्जन करना है, यहाँ पे बाइनरी टू हेक्सा एंड हेक्सा टू उसका कन्वर्जन करना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे भी हम फॉलोइंग टू स्टेप्स इस मेथड में भी यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो डेसिमल इक्विवेलेंट हर किसी जो हेक्साडेसिमल हमारे पास नंबर दिया गया हो उसको हम करते हैं डेसिमल इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 15 दिया गया हो उसको हम, अगर हमारे पास एफ दिया गया हो, क्योंकि 15 को हम डेसिमल में 15 लिखते हैं और हेक्सा में एफ लिखते हैं, अगर हमें एफ दिया गया हो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे दैट मीन्स 15। नेक्स्ट में क्या करेंगे कि जो भी रिजल्टिंग बाइनरी ग्रुप्स है जो हमने ग्रुप बनाए होंगे उनको हम क्या करेंगे एक सिंगल बाइनरी नंबर में हम लिखेंगे जो हमारा रिजल्ट होगा। देखते हैं हमारी पहली एग्जांपल, पहली एग्जांपल जो हमने ली है वो हमने एक नंबर लिया है 2AB जो हेक्साडेसिमल में है उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला हमारा जो सेटअप रहेगा कि कन्वर्ट डेसिमल इक्विवेलेंट, हमने इनको डेसिमल इक्विवेलेंट टू को डेसिमल में क्या लिखते हैं, ए को क्या लिखते हैं और बी को क्या लिखते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद क्या करना है कि 4 बाइनरी डिजिट्स भी लिखने हैं। सबसे पहले हमने 2 लिया, 2 को डेसिमल में भी 2 ही लिखते हैं, और जब हम इसको 2 को बाइनरी में लिखा लेकिन हमने क्या लिखना है 4 बाइनरी डिजिट्स। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेटअप है, ऑक्टल में हमने देखा था कि हमने 3 बाइनरी डिजिट्स लिया था और यहाँ पे हमने लेने हैं 4 बाइनरी डिजिट्स। जो 0010 आया उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमने ए लिया, ए को डेसिमल में हम 10 लिखते हैं, उसके बाद उसका जो बाइनरी होता है इन 4 डिजिट्स वो होता है 1010। नेक्स्ट टाइम हमने बी लिया है, बी को हमने क्या लिखा है डेसिमल में 11, 11 का जो बाइनरी होता है वो होता है 1011। किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना इसके लिए भी प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, आप वो वीडियो भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि कॉम्बाइन द बाइनरी ग्रुप, जो अभी बाइनरी ग्रुप है इसको हमने क्या किया है कॉम्बाइन किया है, सबसे पहले हमने ये लिया है फिर ये वाला बाइनरी और ये, दैट मीन्स ये जो 2AB in 16 ये इक्विवेलेंट होता है इस सब के, इन तीनों को कॉम्बाइन करके। यहाँ पे हमने और एक एग्जाम्पल ली है, उस एग्जाम्पल में हमने लिया है ABC। अगर आपको हेक्साडेसिमल में दिया गया हो उसको बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रोसीजर सेम ही है, सबसे पहले ए लेना है उसके बाद बी लेना है और उसके बाद सी लेना है। इसको क्या करना है इसको डेसिमल में लिखना है, ए का होता है 10, बी का होता है 11, सी का होता है 12। 10 को हम बाइनरी में लिखते हैं 1010, बी को लिखते हैं 1011 और सी को लिखते हैं 1100। अगर आपको ये समझ नहीं आता है कि यहाँ पे हमने हेक्सा को बाइनरी में डायरेक्ट कैसे लिखा, तब जाके आप बेसिक लेक्चर जो हमने पढ़ाए हैं आप वो कंसिडर करें, वो जो आपको क्लियर होगा तब जाके आप देखिए कि कन्वर्जन कैसे होती है, उसके बाद आप शॉर्टकट मेथड पे आइए। जब आप लॉट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तब जाके आपको विद इन सेकंड्स आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। उसके बाद दैट मीन्स कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 2 सेटअप में एक हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट किया, इस सारे को हमने कंबाइन किया और यहाँ पे आंसर हमारा आया। दैट इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। इसी के साथ नंबर सिस्टम हमारा जो यूनिट था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, इसके अलावा सब्सक्राइब
करना ना भूले हमारी चैनल को। थैंक्स।